श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वते नमः श्रीगुरुभ्यो नमः जगद्गुरो नरेन्द्राचार्य महाराजके जय सद्गुरु सिद्धेश्वर महाराज की जय संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय आद्य जगद्गुरु रामानन्दाचार्य महाराज की जय सिया वल्लभ रामचंद्र की जय गुरु गुरु विष्णु गुरुरदेवो महेश्वरा गुरुरसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय दुसरा ऐसे संजयोसे से म्हणे तो पार्थ पुनरपेशोका कुळी तू काय बोले के सखी दू बोले ते आता नाळवावे तुम्ही माते मी झुंजे झुंजेथे भरवसे ऐसे की हेळा बोलिला मग मौन धरून ठेला ते श्रीकृष्णा ते विस्मो पातला देखो नि तया ते मग आपुला चित्ती म्हणे ए ति काय आदरिलेणे अर्जुन सर्वता काही नेणे काय कीजे हा उमजे आता कवणे परी ने धीर स्वीकारे जैसा ग्रहाते पंचाक्षरी अनुमानी का ना तरी असाध्य व्याधी अमृता सम औषधी वैद्य सूची निरवध निदा निची कुंडली कवरदे श्री ज्ञानदेव जगदगुरु नरेंद्राचार्य महाराज परमात्मा स्वरूप परम वंदनीय जगदगुरु श्री के चरण कमलों पर नतमस्तक होकर परम पूज्य कानिफनाथ महाराज को सादर प्रणाम साथ में इस सत्संग में उपस्थित सारे मेरे साथियों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने सर्वश्रेष्ठ ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी की इतनी रसाल पद्धति से काव्य रचना की है कि कई साहित्यिक जिनको अध्यात्म में जरा भी रुचि नहीं है वो भी ज्ञानेश्वरी का अभ्यास करते हैं भगवान ज्ञानेश्वर महाराज का पूरा प्रतिपादन भले ही आध्यात्मिक रहा हो लेकिन वो इतने रसाल काव्य का रूप लेकर बाहर आया है कि साहित्यिक सिर्फ उसके साहित्यिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए उसका अध्ययन करते हैं अध्यात्म की सारी धाराएँ राधर अध्यात्म के सारे अंगों की धाराएँ चाहे वो ध्यान हो योग हो भक्ति हो कर्म हो सारे अध्यात्म के सारे अंगों की धाराओं को इतने अभिव्यक्त इतने काव्यात्मक रूप से अभिव्यक्त किया करने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है ऐसा किसी आध्यात्मिक ग्रंथ को इस प्रकार नहीं देखा गया है ज्ञानेश्वरी के इस काव्यात्मक रचना को हम पहले अध्याय में देख चुके हैं दूसरे अध्याय में अब तक हमने देखा है धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एक और विशाल कौरव सेना खड़ी है और दूसरी ओर पांडव सेना खड़ी है इन दोनों सेनाओं के मध्य में एक महान रथ खड़ा है श्वेत घोड़ों से युक्त एक महान रथ खेड़ा है इस इस ग्रथ के सारथी स्वयं प्रभु श्री कृष्ण है और कौटुंबिक मोह ने अर्जुन को ग्रास लिया है उसको जकड़ लिया है कौटुंबिक मोह ने अर्जुन को इस प्रकार जकड़ लिया है कि अर्जुन अपने मन का निश्चय कर चुके हैं अब तक अर्जुन ने अपने सारे संदेहों को अपने मन में आए हुए सारे विचारों को प्रभु के सामने रख चुके हैं जो हमने पिछले अध्यायों में पिछले सत्संगों में देखे हैं। मन की पीड़ा से बड़ी ही बेचैनता से अर्जुन कह रहे हैं भगवान से हे hey भगवान हे भगवान आप आप मुझे मत समझाइए आप मेरी प्रशंसा कर आप मुझे किसी भी तरह मनाने की कोशिश मत करिए मैं अपना निश्चय कर चुका हूँ मैं अपना निश्चय कर चुका हूँ कि मेरे अपनों के साथ मैं नहीं लड़ूंगा चाहे जो हो जाए मैं अपनों के साथ नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा अर्जुन की इस अर्जुन की इस अवस्था को देखकर भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत ही सुंदरता से लिखा हुआ है कि भगवान मन ही मन में सोच रहे हैं कि अर्जुन ये क्या बोल रहा है अर्जुन ये कैसी बातें कर रहा है अर्जुन ये कैसा निश्चय कर चुका है अर्जुन क्यों मेरे बात को नहीं समझ पा रहा है क्यों नहीं समझ पा रहा अर्जुन क्योंकि कौटुंबिक मोह ने उसको ग्रास लिया है अर्जुन कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है क्यों नहीं ले पा रहा है क्योंकि चिंता और शोक ने उसके मन को इस प्रकार जकड़ लिया है कि वो कोई निर्णय ले ही नहीं पा रहा है वो प्रभु ही है जो अर्जुन की इस दशा को समझ रहे हैं और अर्जुन को कह रहे हैं अर्जुन को यहां अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रभु ही है जो सोच रहे हैं कि जब मनुष्य का मन चिंता और शोक से ग्रस्त हो जाता है तो वो अपने कर्तव्य का निर्णय नहीं ले पाता है और ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए हमें सदगुरु के शरण आना चाहिए कैसी शरणागति यहां पे अपेक्षित है पूर्ण शरणागति जहां पे कोई किंतु कोई परंतु ना हो ऐसी पूर्ण शरणागति यहां अपेक्षित है पिछले सत्संग में हमने देखा था गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की एकलव्य के प्रसंग को हमने सुना था जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कहा मुझे तुम्हारा अंगूठा काट करके दो पूरी तरह शरण आ चुके एकलव्य ने एक क्षण का भी विलंब न लगाते हुए अपना अंगूठा काट करके दे दिया ऐसी शरणागति यहां अपेक्षित है अक्सर हमारे संप्रदाय में ये देखा जाता है हमारे संगठना में ये देखा जाता है कि किसी छोटी मोटी बात को लेकर कहा सुनी हो गई या किसी ने कोई कड़वे बोल सुना दिए तो हम सदगुरु की सेवा में खंडा आना शुरू कर देते हैं हम कहते हैं वो मुझे बहुत चिल्लाता है वो मुझे बहुत डांटता है या प्रसंग गुरु भी ऐसा भी हो जाता है कभी हमारे सेवा में कोई त्रुटि रही गई हो या हमसे कोई गलती हो गई हो तो मामूली खुद हमें डांट देते हैं हमें अत्यंत कड़वे शब्द सुना देते हैं लेकिन अगर हम पूर्ण तन मन धन से अगर हम शरण आ चुके हैं हम सदगुरु को अपना मान चुके हैं तो क्या हम सदगुरु से दूर जाएंगे उनका इतना तो अधिकार हम पे बनता है कि वो अपने बच्चों को इस तरह सुनाए क्यों सुना रहे हैं हमारे अच्छे के लिए सुना रहे इस प्रकार की पूर्ण शरणागति यहाँ पे अपेक्षित है जिसमें कोई किंतु कोई परंतु ना हो इस प्रकार की पूर्ण शरणागति यहाँ अपेक्षित है आगे श्री कृष्ण सोच रहे हैं मन में कि अब क्या किया जाए भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने बड़ी ही काव्य सुंदरता से इच, इस यही जो अवस्था है जहां पे प्रभु सोच रहे अब क्या उपाय किया जाए कि प्र... अर्जुन मेरी बात को समझना शुरू करे अर्जुन मेरी बात को अभी समझ ही नहीं आ पा रहा है कई बार प्रापंचिक जीवन में हम हमने इस अवस्था का अनुभव किया है हम पेरेंट्स ने तो कई बार किया है हम बच्चों को समझा रहे हैं बेटा अभी आइसक्रीम खाना अच्छी बात नहीं है इससे तुमको इससे तुम बीमार पड़ जाओगे तुमको सर्दी आ जाएगी लेकिन बच्चे हैं कि नहीं मान रहे मुझे खाना है खाना है खाना है ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं हम क्रोध के आविर्भाव में आकर बच्चों को समझाते हैं उसी प्रकार भगवान ज्ञानेश्वर महाराज यहां कह रहे हैं कि जब किसी असाध्य रोग पर जब किसी असाध्य रोग पर कठिन अवस्था में अमृत रूपी कड़वे औषधि का उपयोग किया जाता है उसी प्रकार प्रभु श्री कृष्ण क्रोध के आविर्भाव में आकर अर्जुन को समझा रहे यहाँ पे क्रोध का आविर्भाव बहुत जरूरी है क्योंकि अर्जुन समझने की किसी भी तरह से समझने की स्थिति में नहीं है यहां इसलिए अर्जुन से क्रोध भरे आविर्भाव में आकर भगवान क्या कह रहे हैं भगवान एक श्लोक द्वारा कह रहे हैं असोचान न सोचस्वम प्रज्ञावादांश भाष से गतासून गता, गता नानुसोचंती पंडिता अर्थात जो सोचने योग्य नहीं है तुम उनके बारे में शोक कर रहे हो असोचान जो सोचने जिनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए क्यों करो उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था अधर्म हो रहा था तब उन्होंने असत्य का साथ दिया पाप के, पाप के होना, मतलब भी पाप में सहवागी होना ऐसे पापियों का तुम शोक कर रहे हो मनुष्य को शोक कब होता है जब वह प्राणी मात्राओं को पदार्थों को दो विभागों में विभाजित कर देता है यह मेरा है यह मेरा नहीं है यह मेरे अपने हैं, यह मेरे अपने नहीं है यह मेरी निजी वस्तुएं हैं, यह मेरी निजी वस्तुएं नहीं है जब मेरा आ जाता है तो वहां ममता आ जाती है भाव आ जाता है प्रियता आ जाती है जब भी भाव आ गया वहां पे एक दोष आ गया कैसे वो एक दृष्टांत तो देकर बताए ना वो मकान का दे दीजिए ना दृष्टांत। तो। एक आदमी उनके बहुत मकान रहते हैं, अमीर रहता है और उनका कारोबार वो खुद चलाता था कोई समय के बाद उन्होंने अपना जो बड़ा लड़का था उनके हाथों में कारोबार सौंप दिया और वो अभी घर में रहता था एक दिन पड़ोसी ने एक बुरी खबर लाई कि फलाने फलाने गांव में एक जो आपका मकान है ना वो जल गया ये वार्ता उन्होंने वो बुड्ढे ने सुना सुनी और उनको इतना दुख हो गया वो रोने लगा वो रोने लगा इतना बड़ा बुजुर्ग आदमी रो रहा है इस कारण अगल बगल के लोग भी आ गए और वो भी रोने लगे उनकी औरत थी वो भी रोने लगी लड़की थी वो भी रोने लगी पूरा गांव रोने लगा उनका जो बड़ा लड़का था वो बाहर गया था वो जब गांव में आ गया तो उनके कानों पे आ गया कि आपके घर घर में कुछ बुरा प्रॉब्लम हो गया इस कारण सब लोग रो रहे हैं वो जल्दी जल्दी आपके घर के तरफ आने लगा जैसे जैसे घर के तरफ आने लगा तब उनको देखने को मिला पूरा घाव इकट्ठा हो गया सब लोग रो रहे हैं उनको बहुत टेंशन आ गया ऐसे क्यों क्या हुआ धीरे 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 वो आगे जा रहा था लोगों के तरफ जा रहा था घर के तरफ जा रहा था लेकिन उनके हाथ पाँव ऐसे काप रहे थे नजदीक गया घर के नजदीक गया तो एक आदमी आ गया और उनके गले में पड़कर रोने लगा कि अरे बेटा तो ये भी इनको समझ में नहीं आ गया कि क्या हुआ मैं तो जिंदा है मेरी बहन भी जिंदी है पिताजी रो रहे हैं मां रो रही है वो भी जिंदे है तो ये लोग रोते क्यों है इस कारण वो धीरे 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 अपने पिताजी के पास जाकर पहुंचे। लोगों की भीड़ थी ना इस कारण और पिताजी को बोले कि पिताजी आप रोते क्यों हैं तो पिताजी रो रो कर ही उनको बताया लग, बताने लगे कि फलाने गांव का जो मकान है ना वो तो अपना जल गए जल गया इस कारण हम रो रहे हैं तो लड़के ने बोला कि पिताजी रो जल गया ठीक है लेकिन हमने परसों ही भेज दिया है व्यवहार हो गया पैसा भी हाथों में ले लिया है व्यवहार तो खत्म हो गया है अपना इतना उनके कानों पे आ गया और तुरंत वो जैसा था वैसे हो गया कि जाने दो ना अभी वो मकान जल गया ठीक है हमारा था ठीक है लेकिन अभी नहीं है क्योंकि हमने बेच दिया है तो तुरंत उनका जो रोना था बंद हो गया अभी दीदी ने बोला ना वैसे ही कि हम हर चीज़ दो प्रकार में बांटते ये मेरा है वो तुम्हारा है या दूसरे का है जब मेरा मेरा हम करते तब तक हमारे हम शोक करते क्यों क्योंकि ये जो ममता ये जो माया है ये माया हमें ऐसी फंसाती है अर्जुन अभी वैसा ही फंस गया है इसलिए भगवान कृष्ण उनको डांट रहे हैं क्योंकि अभी उन्होंने डांटा नहीं तो अर्जुन सुधारने वाले नहीं हैं क्योंकि अर्जुन ने भी उनको भगवान को ऐसे लाड़ पैर में आकर बोले मैं नहीं सुनूंगा आपका हाँ युद्ध विद्ध हम करने वाले नहीं है हमने बताया ना मुझे युद्ध नहीं करने का ऐसे भगवान को भी उन्होंने लाड़ प्यार में आकर बताया कि हम कभी भी युद्ध करेंगे नहीं ये लोगों के साथ तो नहीं करेंगे तो अभी भगवान कृष्ण को माँ का रोल में आना पड़ा और वो भी डांट रहे हैं क्या चल रहा है तुम्हारा युद्ध नहीं कर रहे हैं क्या चल रहा है अभी भगवान कृष्ण उनको क्या बोलते हैं वो ये दीदी के मुख से सुनने में अच्छा श्री गुरुदेव माउली भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम उनके प्रति शोक कर रहे हो जो सोच के भी काबिल नहीं है क्यों सोच रहे हो? क्योंकि तुमको मोह ने ग्रास लिया है मोह ने इतनी बुरी तरह जकड़ लिया है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो देखिए मोह तो धृतराष्ट्र के मन में भी था शुरुआत में हमने देखा धृतराष्ट्र कह रहे हैं मेरे और पंडू के पुत्र मेरे और पंडू के पुत्र धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं मोह तो वहाँ कौटुंबिक मोह ही था जिस कौटुंबिक मोह को अर्जुन ने जकड़ लिया है वही कौटुंबिक मोह धृतराष्ट्र के मन में भी था लेकिन क्या ये दोनों एक समान है नहीं धृतराष्ट्र का जो मोह था वो पक्षपाती मोह था मेरे अपने लेकिन अर्जुन का जो मोह था वो परोपकारी मोह था जो उसके जो कौरव उसके साथ युद्ध करने खड़े हैं उनके प्रति भी उसके मन में मोह था वो उनके प्रति भी बुरा नहीं सोच रहा था इस सोच में जो अंतर है ध्रुतराष्ट्र की और अर्जुन की सोच में जो अंतर है इस अंतर ने इसी अंतर ने अर्जुन को भगवान के अलौकिक उपदेश के पात्र बनाया देखिए भगवान बड़े ही कृपालु है बड़े ही दयालु है वह हम सब पे वैसे ही कृपा करते हैं वैसे ही हम पे इतनी दयालुता दिखाते हैं लेकिन हमको उनकी कृपालुता उनकी दयालुता के पात्र होना भी ज़रूरी है हमारे जगत गुरु श्री ने एक बहुत ही छोटा छोटी सी सीख बताई है छोटी सी सीख है लेकिन अमूल्य सीख है जिसमें सब कुछ समा के आए जगत गुरु श्री कहते हैं सपने में भी किसी का बुरा मत सोचो सपने में भी किसी का बुरा मत सोचो तुम अपने आप कृपा दृष्टि के पात्र हो जाओगे आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तुम पंडितों जैसी बातें करते हो अपने आप को तुम ज्ञानी कहलाते हो लेकिन पंडितों जैसी बातें करते तुम मूर्खों की मूर्खों की तरह अज्ञान भरी बातें करते हो और अगर तुमको कुछ समझाने है, तो बतलाया जाए तुमको कुछ अगर हम बताने मैं तुमको कुछ बताने की कोशिश भी कर रहा हूं तो तुम पंडितों जैसी बड़ी बड़ी नीति की बातें करते हो अब इस अवस्था में तुम पे क्या किया जाए कैसे तुमको मैं समझाऊ यह किस अज्ञान की बात कर रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण यहाँ किस अज्ञान की बात कर रहे हैं अर्जुन ये सोच रहा है कौरवों को मैं मारूंगा मैं उनको नष्ट करूंगा मैं उनको अगर मारूंगा तो इतना बड़ा पाप करूंगा इस अज्ञान के वशाकर इस अहंकार में मैं मैं मारूंगा इन सबको मैं नहीं मारूंगा मैं नहीं मार सकता ये जो अज्ञान उसके अंदर भरा पड़ा है कि मैं मारूंगा इन सबको इस अज्ञान को दूर करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण यहां अर्जुन से पूछ रहे हैं हे hey अर्जुन बताओ क्या इस सृष्टि की उत्पत्ति तुम ही ने की है क्या इसका पालन पोषण तुम कर रहे हो क्या सबसे महत्वपूर्ण सवाल यदि तुम इन कौरवों को नहीं मारोगे तुम इनको नहीं मारोगे तो क्या वो चिरंजीवी बन जाएंगे नहीं तुम उनको मारने की बात कर रहे हो यहां पे तुम्हें उनकी कूटनीति उनकी दृष्ट प्रवृत्ति उनके भरे अधर्म को उनके भरे अंदर भरे असत्यता को मारना है जो उनके शरीर में जकड़े हुए हैं ये सारे गुण जो है ये सारे गुण दोष जो है वो उनके शरीरों में जकड़े हुए हैं तुम्हें उन्हें नहीं मारना है उनके अंदर भरे इस कूटनीति को मारना है उनके अंदर जो बुरे विचार तुम्हें उन विचारों को मारना है उन विचारों पे मात करनी है आगे भगवान कहते हैं कि उन शरीरों को मारने के मारने पर तुम दुख मत करो तुम शोक मत करो क्यों क्योंकि उत्पन्न होना और नष्ट होना यह सृष्टि का स्वभाव है यह सृष्टि का नियम है इसलिए तुम इसमें शोक मत करो अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये, ये सब तुम ही ने किया और तुम इन्हीं को मार रहे हो तो तुम इस शोक से बाहर निकलो हे hey अर्जुन तुम अगर ये मन में तुम्हारे आ रहा है तुम अपने मन से इस बात को निकाल दो इस बात को अपने मन से तुम निकाल दो कि तुम उनको मारने वाले हो उनकी सोच वो अभी जिस प्रकार से सोच रहे वो तो वैसे ही मरी हुई है अब उस, उसकी अवस्था की अगर तुलना की जाए वो सोच वैसे ही मरी हुई है आगे भगवान कहते हैं जब तु, मैं तुम और इस युद्ध भूमि में सारे जो राजा लोग खड़े हैं, जब ये नहीं थे तब भी हम सब थे और जब ये सब नहीं रहेंगे तब भी हम सब रहेंगे कहने का तात्पर्य है ये शरीर जब तक भगवान ने कृष्ण अवतार नहीं लिया था उससे पहले भी भगवान थे और कृष्ण अवतार के खत्म होने खत्म होने के बाद भी भगवान रहने वाले हैं। अगर कुछ यहाँ पे अगर कोई बदल आने वाले कोई परिवर्तन होने वाला है तो वो मनुष्य की अवस्थाओं में बदल होने वाला है भगवान यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि जन्म से ही मनुष्य मरना शुरू करता है मरने का अर्थ यहाँ भगवान कह रहे हैं परिवर्तन आना शुरू हो जाता है तुम्हारी शुरुआती अवस्था जब बच्चा जन्म लेता है तो वो बचपन में उसका रूप जो होता है उसकी अवस्था जो होती है वो बाल्यावस्था होती है जब बचपन मर जाता है तब यौवन आता है तब जवानी आती है यौवन के मर जाने के बाद वृद्धावस्था आती है जब अर्थात ये सब अवस्थांतर है हम सिर्फ हमारा शरीर सिर्फ अवस्था बदल रहा है वैसे अर्जुन सब है आप मारने वाले कोई नहीं है स्थिति उत्पत्ति लय ये सृष्टि का नियम है ये देख आपको क्या सोचने का है वो आप सोचो लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आप मारने वाला कोई नहीं है ये पहले भी थे आज भी है और कल भी रहेंगे आपको लेने का है तो सिर्फ श्रेय ले लो और आपके मन में जो है ना कि हम मारने वाले ऐसे कुछ नहीं उनका जो स्वभाव है प्रवृत्ति है ये प्रवृत्ति को मारने का है तुम्हें लग रहा है कि हम मारने वाले ये सब भूल दो आप हम सब राज्य लोग आज ये रणांगन पे खड़े हैं। क्या आपके पास कुछ गारंटी कार्ड है कि हम मरने वाले नहीं है दूसरी बात आपने समझो मारा नहीं तो हम सब लोग चिरंजीव रहने वाले हैं वैसे भी नहीं है तो आप युद्ध क्यों नहीं कर रहे ये मेरे बात समझ में नहीं आ रहा है इधर तो आप विद्वान पंडित जैसे दिख रहे हैं आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अरे इधर बोल रहे हैं कि नहीं 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 हम ऐसे नहीं करेंगे आपको कौन सी भाषा में आपको कौन से शब्दों में समझाने का ये मेरे ही समझ में नहीं आ रहा है अरे आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय को ये शोभा नहीं देती ना आप मुझे गुस्से में आकर बोले कि हम युद्ध नहीं करेंगे लेकिन यह आपको शोभा नहीं देते स्थिति उत्पत्ति स्थिति और लय ये सृष्टि का नियम है और ये नियम बदलने का अधिकार आपको दिया है नहीं ना तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए इसमें ही आपका भला है ऐसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझा है अर्जुन को जो आदेश बोलते हैं ना वैसे आदेश ही दिया है जैसे माँ और पिता बच्चों लोगों को सुनते नहीं तो आदेश देते ये ऐसा आपको करने का ही है जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला मैं नहीं करूँगा युद्ध ये हिम्मत ये क्षमता अर्जुन में कैसी पैदा हो गई इसलिए पैदा हो गई कि भगवान कृष्ण को अर्जुन अपना सका आपका गुरु आपका परमात्मा सब सब मान रहे हैं जिन पर हमारा अधिकार चलता है ना उधर ही हम हट्ट करते या गुस्से में बोलेंगे या लाड़ प्यार में आकर बोलेंगे वैसे दोनों का रिश्ता है इस कारण अर्जुन बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि यह लोगों को मारना मुझे योग्य नहीं लग रहा है भगवान कृष्ण बोले आपको ऐसे नहीं चलेगा आपको युद्ध करना ही पड़ेगा और अर्जुन समझने के अवस्था में नहीं है इसी कारण भगवान जरा मन में यानी मुख में गुस्सा लाकर चेहरे पर गुस्सा लाकर बोल रहे हैं कि ये आपको अटल ही है करना ही पड़ेगा अभी अर्जुन उस पर क्या जवाब दे रहे हैं हमें अगले सत्संग में हम बताएंगे अभी इधर का समय खत्म हो गया इस कारण इधर हम रुकेंगे जगत गुरु गुरु नरेंद्र महाराज सद्गुरु कार सिद्धेश्वर महाराज की जय संत शिरोमणि जज्ञानन महाराज की जय भारत जगत गुरु महाराज की जय सियावर